लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सेल के अंदर एक सिंपल सी बेसिक शीट बनाई थी रिजल्ट शीट, जिसमें हम लोगों ने ये कुछ कॉलम जो है ये रखे थे, यानी सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम, क्लास, फीस, ऑरिकल, जावा, सीजीआई, ऑफिस, सी एंड सी प्लस प्लस, टोटल और इसकी एवरेज। इस शीट को मैं सिंपल कॉपी कर रहा हूं और इसमें हम एक कॉलम जो है वो और बढ़ाएंगे, जिसमें हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट जो है वो अप्लाई करेंगे। मैंने सिंपल इसको यहां से कॉपी किया है, कंट्रोल सी, मैंने एक प्लस का बटन प्रेस किया, एक नई शीट मेरे पास ऐड हो गई है और यहां पे आके मैं कंट्रोल वी कर दिया। बता शीट को अगर आपने ऐड करना है तो ये प्लस का बटन है, इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो ये एक नई शीट ऐड करेगा, ना कि एक न्यू फाइल। कंट्रोल एन करोगे तो वो नई फाइल ऐड होगी। मुझे फाइल नहीं चाहिए, मुझे एक शीट चाहिए, तो उसके लिए मैं यहीं पे इस प्लस के बटन पे क्लिक करता हूं तो एक न्यू शीट जो है वो ऐड हो जाएगी। अब ये शीट बन जाए, मैं इसका रिनेम कर देता हूं शीट को, इसे मैं सिंपल लिख लेता हूं रिजल्ट शीट। और इसके साथ मैं लिख लेता हूं रिजल्ट शीट, उसी तरह से रिनेम किया इसको मैंने विद ग्रेड, कि मुझे इसके साथ जो है वो ग्रेडिंग करनी है, यानी कितने परसेंटेज होंगे तो वो रिजल्ट या वो जो मार्क्स है वो डिस्प्ले होंगे। मैं यहां पे कॉलम ऐड करता हूं ग्रेड का, मैंने कॉलम लिया और इस कॉलम को जब मैंने क्लिक किया तो सेम फॉर्मेट इसके ऊपर अप्लाई हो गया। अब मैंने इसके ऊपर फार्मूला लगाना है, फार्मूला है मेरा इफ कंडीशन का, इफ ब्रैकेट स्टार्ट एल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 85 कॉमा डबल कोट्स उसको ए दे दो फिर कॉमा। अब ये कंटिन्यू आपने लिखते जाना, इफ एल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 75 कॉमा डबल कोट्स उसको बी दे दो फिर कॉमा, इफ एल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 65 कॉमा डबल कोट्स उसको सी ग्रेड दे दो फिर कॉमा, इफ एफ टू ग्रेटर देन इक्वल टू 55 कॉमा इसको पास कर दो, इससे नीचे जो भी आएंगे उन सबको क्या कर दो, फेल कर दो। आप देखिए उसने खुद ही जैसे मैंने एंटर प्रेस किया खुद ही उसने वो F2 जो था वो L2 में कन्वर्ट करके इस फार्मूले को लगा दिया। बेसिकली ये फार्मूला करता क्या है, यहां पर अगर आप गौर से देखो तो L2 L2 में मेरे पास आ रहा है 68 और मैंने कहा है कि जी अगर L2 85 से ज्यादा है, यहां पर ये देखिए 86 है तो इसको उसने A ग्रेड दे दिया। यहां पर देखिए अगर मैंने उसे कहा है कि 55 से ज्यादा हो तो पास करे, लेकिन ये 55 की रेंज कहां तक जाएगी, 65 तक। अगर इसके दरमियान में ये रेंज आती है, यहां पे देखिए पास उसने क्या दिया हुआ है 63 दिया। ठीक है, अब आप यहां पे ये लगी है कोई इशू। अब आप लोगों ने बैठ के क्या करना है, सेम शीट को लेना
उसमें सब्जेक्ट्स आप अपनी मर्जी के चेंज कर सकते हो, कोई भी सब्जेक्ट रख लो। उसके बाद आप लोगों ने वही टोटल एवरेज और ग्रेड के अंदर इफ कंडीशन को इस्तेमाल करते हुए आप लोगों ने उस स्टूडेंट की ग्रेडिंग जो है वो कैसे हमने किया था, इफ वाला फार्मूला दोबारा रिपीट कर देता हूं। ये देखिए मैंने इसको डिलीट किया यहां से, मुझे इसका ग्रेड निकालना है, मुझे नहीं पता कि इस एवरेज पे कौन सा ग्रेड जो है वो निकलेगा। ठीक है, तो मैं लगाता हूं इफ एल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 91 कोमा, इसको ए दे दो। इफ एल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 81 कोमा, इसको बी दे दो कोमा। इफ L2 greater than equal to 71 comma, इसको C दे दो। If L2 greater than equal to 61 इसको D दे दो comma, if L2 greater than equal to 51 comma, इसको पास कर दो। अदरवाइज अगर 51 भी मार्क्स उसके नहीं आ रहे तो फेल कर दो। हमने फार्मूला तो जितनी भी ब्रैकेट्स लगाई थी उतनी ही बंद करनी है, एक दो तीन चार पांच एंटर। ये देखिए तो अब मेरे इस फार्मूले में पिछला जो फार्मूला लगाया था उसमें एक दो फेल आ रहे थे, अब इस फार्मूले में वो जो है फेल फार्मूला इफ से ही स्टार्ट हो।